आज हम आपको एक ऐसे परिवार की दास्तान सुना रहे हैं जिसे देख आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। ना बिजली पानी, ना रहने के लिए सुरक्षित घर, दोनों बेटे अपंग, पत्नी दिमाग से मानसिक रोगी। ये दास्ता है सिरमौर के भवाई पंचायत से ताल्लुक रखने वाले हीरा सिंह के परिवार की। हैरानी इस बात की है कि इस बात से सरकार और प्रशासन दोनों ही बेखबर है। हीरा सिंह के पास घर, बिजली, पानी और शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करके हीरा सिंह अपने असहाय परिवार का पालन पोषण करते हैं। हीरा सिंह भी अब मजदूरी करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है क्योंकि वो खुद भी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। हीरा सिंह का कहना है कि कई बार वे अपनी बात को पंचायत के सामने रख चुके हैं मगर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। हीरा सिंह का कहना है कि उन्हें पीने के लिए पानी भी करीब 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। हीरा सिंह के मकान की हालत इतनी खराब है कि कई बार तूफान से इस कच्चे मकान की छत उड़ चुकी है। सरकार द्वारा मुफ्त गैस कनेक्शन, बिजली सुविधा और आवास सुविधा जैसी कई स्कीमें चलाई गई हैं, लेकिन इन्हें आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिल सकी। हैरानी की बात ये भी है कि इनका परिवार बीपीएल सूची से भी बाहर है। बस ये है, पानी की भी दिक्कत, बिजली की भी दिक्कत है ना, ये बच्चे देखो ऐसे बुरे हाल। आप पंचायत घर नहीं जाते? जा गया था मैं, हमने बोला कि तीन चार बार गया, हमने बोला करने का दो चार पाँच साल हो गए, क्या कब कर। अच्छा, ना बिजली है? ना बिजली है, है नहीं कुछ नहीं। स्थानीय लोगों ने भी हैरानी जताई कि गरीब हीरा सिंह के परिवार को आज तक आखिर क्यों कोई मदद नहीं मिल पाई है। वाई पंचायत सिरमौर जिला के विकास खंड संगड़ा के अंतर्गत आती है। हीरा सिंह जी वाई पंचायत के स्थायी निवासी है और ये बहुत ही निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं और इनको आज तक कभी भी बीपीएल की सूची में नहीं लाया गया और इनके पास जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो अभी तक एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, यहाँ तक कि इनका जो मकान है ये कई बार थोड़े से हवा के चलते ही उड़ जाता है। मेरा सरकार और पंचायत से अनुरोध है कि श्री हीरा सिंह जी को बीपीएल की सूची में लाया जाए और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनके लिए एक पक्का मकान दिया जाए और इनके जो फैमिली में जो इनके जो बच्चे हैं, दोनों बेटे इनके मानसिक रूप से अपंग है, इनकी जो बीवी है वो भी मानसिक रूप से अपंग है और स्वयं भी हीरा सिंह जी का जो स्वास्थ्य वो ठीक नहीं रहता है, इनको चलने में बहुत ज़्यादा समस्या है। ये परिवार के अकेले व्यक्ति है। हीरा सिंह जहां अक्सर बीमारी से परेशान रहते हैं वहीं पत्नी व दोनों बच्चे भी मानसिक रोगी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना शायद ज्यादा कठिन नहीं है कि परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।